मैं बरौनी प्रखंड के अध्यक्ष जिला कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ सरकार के मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ा है क्योंकि हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। हम लोगों का मांग है कि सरकारी कर्मचारी का क्या करते हैं आप? हम आंगनबाड़ी वर्कर हैं, नाम के लिए आंगनबाड़ी वर्कर हैं, लेकिन हम लोगों के से सब काम लिया जाता है। वो BLO का काम हो, निर्वाचन का काम हो, जनगणना का काम हो, बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक का काम करना है। यानी हम लोग एक सेविका एक आलू यानी पोटैटो की तरह है, जिसको जिस सब्जी में डाल दो फिट बैठे। उसी तरीके से सेविका, हम सेविकाओं को किसी भी विभाग में डाल दो फिट बैठो और काम करा के निकाल लो, लेकिन हम लोगों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। हम लोगों के बच्चे भूखे, सरकार कहती है कि हम सुपोषण लाएंगे, सुपोषण दूर करें, लेकिन हम सेविकाओं को कुपोषित बनाने का उठाए हैं बीड़ा, क्योंकि हम सेविका को जब पेट ही नहीं भरेगा, हम सेविका अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकेंगे, हम अच्छे से खा ही नहीं सकेंगे, तो हमारा ऐसा काम का क्या फायदा। सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और हम लोगों को जब तक सरकारी कर्मचारी का अगर दर्जा नहीं दी है तो हम लोगों को कम से कम 25,000 रुपया दिया जाए, या सरकार भारत सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी हो हम लोग को दे दिया जाए। सरकार बेटी बचाओ बेटी सरकार बचाओ बेटी बढ़ाओ का सरकार नारा लगाते हैं, हम भी बेटी हैं और आज सरकार के ही बदौलत हम लोग आज रोड पर खड़े हैं। अगर हम लोगों को पेट भरने के लिए सही मिलेगा तो हम लोग क्यों रोड पर आएंगे? हम लोग भी अपना काम करेंगे और टाइम से काम करेंगे, टाइम से करेंगे सब। हम बस सरकार से यही मांग है कि हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हम बहनों को भी इज्जत सम्मान मिले, यही हमारे आपसे विनती है कि आप हमारी बातों को सरकार तक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम कुमारी है, हम बेगूसराय से हैं, बरौनी प्रखंड। सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह बार बार धरना प्रदर्शन पर आएंगे और हड़ताल करेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और सरकार से हमारी मांग है, सरकार हमेशा कहती है नारी शक्तिकरण, नारी पर तो शोषण किया जा रहा है, नारी को तो हमेशा अभी जैसे हम लोग को कहा जाता है 4 घंटे का काम, लेकिन लिखित रूप से हम लोग को 4 घंटा कम होता है, काम करने के लिए 24 घंटा समय भी काफ़ी कम पड़ जाता है। मोबाइल मिला है 4,000 का मोबाइल मिला है, पोषण ट्रैकर पर काम किया करने के लिए कहा जाता है, दिन में हमेशा नेटवर्क नहीं रहता है, सर्वर नहीं रहता है, शिकायत करते हैं हम लोग तो अधिकारी लोग करते हैं रात में काम करने के लिए। क्या रात में हम लोग काम करते हैं उसका मन वेतन मिलता है हम लोग को? क्यों करेंगे? अगर 10 से 2 हम लोग को लिखित देते हैं कि 10 से 2 रजिस्टर मेंटेन करते हैं, 10 से 2 काम क्या करना है, 10 से 2 के बाद हम लोग काम नहीं करते हैं अगर, तो अधिकारी लोग हम पर कुछ भी दबाव डालती है और शोषण करती है। इस शोषण को हम लोग सहन सकते, हम लोग के पास अब खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया जी जी। बैंक में लिंक फेल हो जाता है तो काम नहीं होता है, बैंक मैनेजर या बैंक के कैशियर बोलते हैं कि आप लौट जाएं, आज आपका काम नहीं होगा, बैंक में लिंक फेल है। लेकिन हम सेविकाओं के साथ अगर नेट काम नहीं करता है, रात में नेट अगर चालू होता है तो कहा जाता है कि आप 12 बजे रात में ही OTP बच्चे का लोड करें और उससे लाभार्थी से OTP लें और OTP ले कर लोड करें। सबसे बड़ी बात OTP की समस्या आती है, या अगर किसी लाभार्थी से OTP मांगते हैं तो उसको भी शंका होती है कि हम रात में OTP क्यों देंगे, क्योंकि कोई भी आजकल का ज़माना ऐसा है कि OTP देने में कोई भी संकोच करता है। चलिए आपका क्या नाम है? मैं सुजाता कुमारी प्रखंड अध्यक्ष मसौरी की हूँ। आप इस आंदोलन में क्यों आए हैं? मैं अपना अपनी मांगने आई हूँ सरकार। क्या मांग है आप? सरकारीकरण है, जो हम लोग के साथ में इतना अन्याय किया जाता है कि 5,000-6,000 रुपया में हम लोग का क्या होता है, 4 बाल बच्चा है उसमें हमको क्या है। पोषण ट्रैकर का अभी जो हम लोग का काम किया जा रहा है तो 300 रुपया हम लोग का अभी नेट भरा ही हो गया, तो अभी 200 रुपया हमको सरकार दे रहा है, उसमें भी हम लोग का 2 साल हो जाता है। जब बहाली लिया जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, जिसका पति बेरोजगार हो उससे हम उसको ही बहाली करेंगे। तो जो सरकार 5,000-6,000 रुपया में हम लोग से काम करा रहा है तो बताइए पति मेरा बेरोजगार रहेगा तो किस तरह? OTP अभी पोषण ट्रैकर में पति के बेटा के लगा के अभी इंग्लिश में, जब हम लोग का जो पहले वाला जो बहाली हुआ था उसमें जो नॉन मैट्रिक पर बहाली हुआ था वो बेचारी लोग के अभी इंग्लिश में क्या लिखने आएगा, जो ABCD भी नहीं आता है वो लोग के, तो पति के लगा के बेटा के लगा के वो लोग काम कर रहे हैं। खाना खा के आए हैं आप लोग? खाना खा के सर 7 बजे आए हैं, 7 बजे से अब से खाना नहीं खाया है, 2 बजे। हाँ 2 बज गया सर, क्या करें, भूखे प्यासे अब सरकार तो हम लोग के मारे पर पड़े हुए हैं ये हैं, तो अब जैसे भी हम लोग संघर्ष जारी रखिए, सरकार जरूर सुनेगी, जारी कर अभी रखेंगे। अगर हमारी सरकार अगर मांगे नहीं पूरी करती है तो हम लोग आगे अभी लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे और 28-29 को भी हम लोग का धरना प्रदर्शन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला देवी कैमूर भभुआ। आप क्या करते हैं?
हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, हम जो है जितना टीचर काम करता है उतना हम बच्चों को अपना शिक्षा देते हैं, उतना शिक्षा बच्चों पर अपना करते हैं। इसलिए कि जब हम लोग को पेटे नहीं भरेगा तो आंगनबाड़ी के काम करके हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा बच्चा भूखे मरेगा तो हम क्या करेंगे करके। मेरा दूसरे के बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते हम कुपोषित हो जाते हैं, मेरा बच्चा कुपोषित हो जाता है, हम लोग को पेट नहीं भरता है। अगर हम लोग को उचित मानदेय मिल जाता है, सरकार आपकी आपकी मांग अगर पूरी नहीं करती तो क्या इस सरकार को बनाए रखेंगे, उखाड़ देंगे? हम लोग को सरकार बदल देंगे। किसकी सरकार बनाएंगे फिर? ये सरकार तो आने वाले भविष्य में, अब किसकी सरकार बनेगी वो तो भविष्य बताएगा। आज इस सरकार को नहीं बनने देंगे, ये सरकार को तो कभी जिंदगी में नहीं बनने देंगे। सरकार ने आपको धूप में सड़कों पे बैठा दिया। जी हाँ जी, जिस तरह से हम सेविकाओं ने, कोई सेविकाओं ने नीतीश कुमार को पैदा किया है, आज बैठे हैं गद्दी पर, उसी तरह से सेविका घामे में मर रही है, उसी तरह से उखाड़ को फेंक देंगे। आप लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, वो तो एसी में बैठे हैं। हाँ एसी में बैठे हैं, ठीक है बैठे, लेकिन हम लोग को उचित मान जो है वो देना चाहिए। हम लोग जनता के बदौलत बैठे हुए हैं एसी में। जनता तो सड़कों पर है ना, जनता सड़क में वैसी पर है, एक दिन ऐसा उनका भी दिन आएगा कि अभी धूप में वो भी मरेंगे, याद कीजिएगा। नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं? हाँ नीतीश कुमार को कह रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो फिर मांगे पूरी नहीं करेंगे? अरे मांगे पूरे, फिर दूसरा सरकार आएगा, फिर वही वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, दूसरा सरकार को लाएंगे। मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम भी उनका बात नहीं पूरी करेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जान जाए कोनो गाड़ी तहां जाए आंगनबाड़ी। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। जी जी, उनको अगला इलेक्शन में उनको हम गद्दी से उतार कर, जो एसी में बैठे हुए हैं ना उनको धूप में लाके खड़ा, धूप में आएंगे अगला इलेक्शन में। दूसरी बात है कि हम लोग को जन्म मृत्यु बनाते हैं, उप रजिस्ट्रार है, हम लोग को हाथ से नहीं बनता है। ऑफिस में 20 बार दौड़ते हैं तब पर भी नहीं बनता है। जब उप रजिस्ट्रार को दर्जा दिया गया है तो उप रजिस्ट्रार सेविका ही के बनाना चाहिए। जन्म मृत्यु ग्राम सेवक के पास ओटीपी जाए तो डाटा ऑपरेटर के पास जाए, 2 महीना लग जाता है, फिर नहीं बन पाता है, उसका पैसा नहीं मिलता है, गोद भराई का पैसा नहीं मिलता है, मोबाइल का पैसा हमको सरकार ना दे, लेकिन हर महीना रिचार्ज कर दे। सेविका को जो काम लेता है तो हर महीना रिचार्ज कर दे। देखिए इनकी मांग है कि फोन का रिचार्ज होना चाहिए, जो सेविकाएँ हैं सहायिका है इन लोगों का जो है मानधन बढ़ना चाहिए, अगर मानधन नहीं बढ़ा रहे हैं तो इन लोगों की जो है सरकारी दर्जा इन लोगों को दिया जाए। तो ये इस तरह की इन लोगों की मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के ये लोग समस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ महिलाएं आज घरों का काम छोड़ करके चकला और बेलन आज सड़कों पर लेकर के यहाँ पर बैठ गए। आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरी सड़कें जाम है, बसें हाईवे, सुबह 7 बजे से ये लोग यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो सरकार को इनकी मांग सुननी चाहिए, अगर नहीं सुनती है तो इनका दावा है कि इस बार ये सरकार को उखाड़ देंगे और बदल देंगे। जी क्या कहें? ठीक है सर, मैं आंगनबाड़ी सेविका गया जिला और परियोजना गुरुआ की हैं सेविका। मेरा कहना खाना है, खाना खा के आए हैं? नहीं खाना क्या खाएंगे सर, खाना तो रखा रहा है, खाना नहीं खाया इसलिए आवाज़ कम आ रही है। नहीं खाए हैं, बिना खाए पिए हम लोग धूप में सुबह से खड़े हैं, अभी तक कोई मंत्री कोई नेता नहीं आए हैं। खाना कैसे मिला घर में? तो खाना महिलाएं ही बनाती हैं, माताएं बनाती हैं, आप ही लोग यहाँ हैं तो कैसे मिलेगा? मेरा बच्चा भी घर में भूखा है सर, और हम भी रोड पर अभी भूखे हैं, भूखे तो मेरा सर फटा जा रहा है, फिर भी बोलना पड़ रहा है। हम यही कहेंगे कि अगर इस बार नीतीश कुमार नहीं सुने, मोदी सरकार नहीं सुने, तो हम भी ये नीतीश को बदलना चाहेंगे और जो हमारी मांग को पूरी करेंगे, जो हम लोग के बारे में सोचेंगे सुनेंगे, हम लोग का मानदेय को बढ़ावा देंगे उनके लिए, और जो नैया पार लगाएंगे उस वही नैया है वही खेवैया है। नैया तो पार तभी लगेगी जब मुकेश नाव तो उनके पास है ना। नहीं भैया को हम बड़ा अबरी बार हम ला रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी भैया मेरे हम लोग का आवाज़ का एक बार भी सरकार के पास रख देंगे तो हम लोग भी उनको मतलब कि नीतीश सरकार को बदल के रहेंगे, और हम यही कहेंगे कि मुकेश सहनी भैया मेरे आए और हम लोग का कुछ वार्ता को सुने और सुन करके ये बात को आगे बढ़ाएं। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो हम लोग को मरने पर 4 लाख घोषित किया गया है, वो लोग हम रिटायर हो जाते हैं तब हमको ये देना चाहिए। जो 4 लाख मरने के बाद सेविकाओं को मरने के बाद मिल रहा है, वो हम लोग को जिंदे पर रिटायर अगर होते हैं वो चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए। हमारे मर जब हम जाएंगे तो उसका सुख भूख कौन भोगेगा? बच्चों को मिलेगा, वो बच्चों को मिलेगा नहीं मिलेगा के देखता है, वो चीज़ जो है हमको जिंदे पर मिलना चाहिए। दूसरी बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला देवी कैमूर भबुआ,
और जो सेविका का बहाली हो रहा है सुपरवाइजर का, और 40 से 45 बरस 46 बरस की सेविका का उम्र हो गई है, तो उसका उम्र सीमा कहाँ से सर? सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो देती है, क्या उस पे काम हो रहा है? जी नहीं, एकदम नहीं हो रहा है, एकदम गलत है सर। और उस बिंदु पर जो है सुपरवाइजर का प्रमोशन को दर्जा दिया जाए, जबकि उम्र सीमा 45-46 बरस की सेविका हो गई है, तो उसकी उम्र सीमा कहाँ से आएगी? चलिए प्रमोशन किया जाए सर। हम बिल्कुल आप लोगों की मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार को। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भारत की बेटियाँ हैं जो आज सड़कों पर अपने घरों के काम छोड़ करके और सुबह 7 बजे से भूखे प्यासे ये लोग बैठे हैं। आप लोग देखते रहिए VIP न्यूज़ टुडे, हम लोग दिखाते रहेंगे लाइव खबरें आप लोगों को हरदम। आप रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। मैं के सिद्धार्थ फिर मिलूँगा, धन्यवाद।